शिक्षा बड़ी अनमोल है इसे परिश्रम से ही पाया जा सकता है नमस्कार धरती धोरणी में आपका बहुत बहुत स्वागत और आज सुबह सुबह हम शिक्षा की बात करेंगे वैसे तो रोज़ाना करते हैं लेकिन आज हमारे साथ शिक्षाविद हैं और वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने उनतीस वर्षों से बच्चों को मोटिवेट किया पढ़ाया और ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग सोच भी नहीं सकते थे और आज उत्तर भारत में इन्हें बॉस के नाम से जाना जाता है श्रवण चौधरी जी आज हमारे साथ में मौजूद हैं शिक्षाविद हैं बहुत बहुत स्वागत सर धरती धोरारी के मंच पर राम राम सा राम राम सा खम्मा साह खाघनी साहि तो आप सीकर के हैं और सीकर को आपने पूरा जगमगा दिया तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सुबह आपकी किस तरह से होती है सर मेरी सुबह मैं मैसेज के साथ कहना चाहूँगा कि सुबह उठते सबसे पहले तो मैं मेरे जीवन में जो दो मेरे माँ बाप के बाद जो महत्वपूर्ण फरिश्ते हैं व्यक्ति जी मेरे नाथ जी महाराज जिनके आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ और मेरे गुरुदेव जिनके कहने से मैं कोचिंग स्टार्ट किया उनको प्रणाम करते हुए मेरे दिन की शुरुआत करता हूँ मैं तो मैं मैसेज देना चाहूँगा कि व्यक्ति को उठते सबसे पहले अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए उसके बाद मेरी फिक्स दिनचर्या है सुबह उठे एक आधे घंटे की पूजा की उसके बाद सात बजे से ले आप कोचिंग पहुँचे और रात को फिर दस ग्यारह बजे तक पूरा शेड्यूल बच्चों के नाम एक डायलॉग है मेरा सेल्सी सी जीवन के साथ भी वो सेल्सी जीवन के बाद भी इसलिए पिछले उनतीस साल से कब सूरज निकला कब सूरज छिपा पता ही नहीं चला कल किसी बात तकते नाइन्टी सिक्स में कोचिंग स्टार्ट किया था और आज हम दो हज़ार चौबीस में हैं जी तो अच्छा लग रहा है ना थके ना रुके ना झुके क्योंकि मेरे लिए ये शिक्षा जो है वो एक चैलेंजिंग जॉब रहा क्योंकि आज के अट्ठाईस साल पहले जब मैं कोटा इंजीनियरिंग कर रहा था जी वहीं से आइडिया दिमाग में मेरे आया और आइडिया क्या आया मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद था कि आपको शिक्षा में कुछ काम करना चाहिए तो एक सपना पाल के आया था कि सीकर में एक शिक्षा नगरी बनानी है और उस समय ये बातें मजाक का पात्र थे क्योंकि सिर्फ कोटा का ही नाम आता आ, था हर जगह बिल्कुल तो एक मजाक के पात्र थे और मजाक में परिवार के लोग भी शामिल थे यार दोस्त भी शामिल थे गांव तो होना ही था जी लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहता हूं उन सभी युवाओं को या जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि आपके इरादों में सच्चाई हो इरादों में ताकत हो तो ईश्वर आपका साथ देता है जैसा मेरा साथ दिया हम आप कल्पना करो कि 96 में सीकर में उसमें पीएमटी पीटी होते थे जी एआईपी नीड टू ये नहीं होती मेडिकल में पीएमटी बोलते हैं इंजीनियरिंग में पीटी होती है आईटी तो तब जानते नहीं थे तो हमने पीएमटी पीटी कोचिंग स्टार्ट की तो ये था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता लेकिन मेरे को मेरे गुरु जी के मेरे गुरु जी का गुरु मंत्र दिया था उस समय कि आदमी के जीवन में तीन काल आएंगे अच्छा पहला काल आएगा आप कोई भी काम शुरू करोगे वो काम जो सामान्य सोसाइटी की सोच से परे है जी तो आप उपहास के पात्र बनेंगे, मजाक के पात्र बनेंगे जो हम बने फिर आप यदि जमे रहोगे डटे रहोगे तो वो लोग धीरे धीरे विरोध करेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता वो फेज भी हमने देखा फिर एक समय ऐसा आएगा बेसर कि आप अपनी जगह टिके हुए रहेंगे जो हम टिके रहे परिस्थितियां क्या रही कालखंड क्या रहा निश्चित बात है कि जुम्मन में 28 साल में सब जगह परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं रही लेकिन सोच नहीं बदली विचार नहीं बदले सपने नहीं बदले अच्छा तो, यहाँ मैं आपको रोककर ये पहले पूछूं कि सपने जो थे जब आप बचपन में पढ़ रहे थे खुद आपने इंजीनियरिंग की और कोटा जाकर की जब पढ़ रहे थे तब ये ख्याल था कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में ही जाना या फिर कोई मन में ऐसी इच्छा थी कि मैं आई या आई ये फाइट करूँ आपने एक अच्छी बात पूछ ली मैं जब स्टूडेंट था तो निश्चित बात है मैं इलेवंथ में एक अच्छा स्कॉलर स्टूडेंट रहा हुआ हूँ राजस्थान बोर्ड में इक्कीसवा रैंक रहा है और 1990 में जब पीटी मैंने फाइट किया तो उस समय पीटी में सिलेक्शन अपने आप में एक ठीक अचीवमेंट था लाइफ का मेरे दो विज़न थे या तो मुझे सिंगर बनने का सपना था मेरा या मैं जॉब करूँगा तो आई पी एस शायद अच्छा। मैं पहली बार किसी मंच पे डिस्क्लोज कर रहा हूँ सिंगर बनना और आईपीएस बनना बट मेरी क्या सिलेक्शन नाइन्टी में हुआ जी और हमारी कम्युनिटी में शादी थोड़ी जल्दी कर देते हैं तो मेरी शादी नाइन्टी वन में हो गई थी फर्स्ट टाइम शादी हो गई थी तो फिर शादी हो गई फिर मेरे नाइन्टी मेरा बेटा भी हो गया था बड़ा साहिल जो आज इंस्टीट्यूट संभाल रहा है जी और तो फिर मुझे लगा कि अपन आगे से पढ़ाई अब हो सकता है यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे तो फिर उसी दौरान में संपर्क मेरे गुरु के आ गया जैसे मैंने बताया जिनका नाम अच्छे बोलता नहीं हूँ बाबा बोलता हूँ उनका नाम है पंडित हरित चतुर्वेदी जो जयपुर में क्विंस रोड पे बहानगर में रहते थे अब तो शरीर से नहीं है जी अभी सत्रह अगस्त को उनका सोवा जन्मदिन भी आ रहा है जी उनके जन्मदिन पर हम लोग एक बड़ा इवेंट भी करने जा रहे हैं तो उनका कहना था कि शिक्षा माप आपको आना चाहिए बस एक वो कोटा से बात पकड़ी और मैं कोटा की धरती से प्रेरणा भी ले आया था और एक कसम भी खा के आया था वो क्या एक दिन कोटा वालों को सिकर ले आऊंगा क्या बात है और हाँ। ये आपने कर दिखाया लेकिन यहाँ मैं बातों बातों में दर्शकों ने भी पकड़ ली एक बात कि आप सिंगर बनना चाहते थे हाँ तो सिंगर बनना चाहते थे इसके पीछे क्या कोई इंस्पिरेशन थी किसको देखकर ये मन में भाव आता था और अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे तो क्या सबसे पहले सांस्कृतिक पर... कार्यक्रम की बात करूँ तो हमारी कॉलेज में किसी भी साथी का बर्थडे होता था ना जी तो हमारा न्योता पक्का होता था अच्छा चाहे हम उसके दोस्त हैं या नहीं है गाने गाने श्रवण को बुला लेते हैं <laughs> और मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी में संगीत से बड़ी कोई चीज नहीं होती है आप यदि खुश हैं तो संगीत और खुश कर देता है परेशान हैं तो आपको वो थोड़ा मोटिवेट कर देता है और विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिंदगी में आपको कुछ भी करना है तो शब्द बहुत अच्छे होते हैं जैसे मैं मेरे जीवन का मैंने कोचिंग स्टार्ट किया नाइनटी सिक्स में तो फर्स्ट गीत बड़ा प्यारा था मेरा जो मेरा टाइटल सॉन्ग था रुक जाना नहीं तू कहीं हार के तो क्या हमारे दर्शक सुन सकते बिल्कुल मैं इस गीत को गाना चाहूंगा कि नाकार है ये तेरा इम्तिहान है तू तो, तो चला चल दिल के सहारे करती है मंजिल तुझको इशारे देख कहीं कोई रोक न ले तुझको पुकार के ओ राही ओ राही रुक जाना नहीं तू कहीं हार के मुझे आगे भी है। का है कि जीवन है तो संघर्ष भी है और उन्होंने ये भी कहा कि अपने मन का हो तो, तो अच्छा।, अच्छा हो लेकिन अपने मन का ना हो तो ज्यादा अच्छा ये मेरी आप थैंक यू ये मेरे जीवन का मूल मंत्र है जी जो मैं मेरी कोचिंग बच्चों के साथ शेयर करता रहता हूँ फिर एक मैं जब बहुत परेशान होता हूँ ना कई बार होता हूँ आगे भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आएंगे तो एक अवतार फिल्म का बहुत अच्छा गाना रेस खन्ना साहब फिल्म उसमें एक व्यक्ति बहुत अच्छा गाना गाता है और ये लाइन मुझे मोटिवेट करती है वो क्या है कि कुछ, लोग तो को रोते, कुछ लोगों के पांव नहीं होते मेरा हाल इतना खराब नहीं ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं ऐसे गीत बहुत होते हैं। जी अभी लेटेस्ट जैसे आपने देखा एक दंगल मूवी आई उसका एक बहुत अच्छा गीत है फोगाट परिवार पे की ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना जितने मुंह उतनी बातें गौर कितनों पे करना।, करना आज लोगों की बारी जो कहीं कह लेने दे तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे बहुत तो बहुत। ऐसे बहुत से गीत हैं चक दे इंडिया का वो जो गाना है अपना बहुत अच्छा है और मेरी सबसे बड़ी जो मानता हूं मेरे मेरे कोचिंग के बच्चों में रहता है वो एक चार लाइन है गानों की जी। एक अपने फिल्म है धर्मेंद्र सने देवल और इन सब की हाँ उसमें गाना है, बाकी सब सपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं एज ए शिक्षक कह सकता हूँ ये लाइन आपके लिए केवल दो लोग आ सकते हैं क्या तो आपके गार्जियन चाचा सब आ जाते हैं या आपके टीचर और मैं, मैं तो मेरे जीवन की मेरे स्टूडेंट के लिए या मेरे सारे अपनों के लिए जो मेरे जो मुझे अपना टीचर मानते हैं गुरु मानते हैं मुझे बोस कहते हैं वैसे वैसे लगता है लेकिन नाम पड़ गया अब तो इवन दी इसके पीछे भी रीजन जान लेते हैं क्यों क्यों ऐसा नाम रीजन क्या मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था तो मेरे साथ मेरी कॉलेज के मेरे दो तीन जूनियर साथ, काम करते थे वो मुझे बोस कहते थे वो कॉलेज साथ पढ़ी हुई थी वो पढ़ते पढ़ते अब तो हालत ये है थोड़ा कि मेरे फादर भी फोन करते हैं कई बार तो कहते हैं था बोसे के भाई तो वो नाम ही पड़ गया एक तरह से और अपने मोबाइल पे आप जाके गूगल पे सर्च करोगे सीकर बोस तो माफ़ी चाहता हूँ नहीं करना चाहिए वो मेरा ही वीडियो आ जाएगा <laughs> तो ये मैं मानता हूँ कि उनतीस साल की मेहनत का एक फल है जो ये, ये जो मेहनत आपने की और जो बच्चों में मतलब बच्चों को माइग्रेट होने से बचाया कि भाई दूर जाते थे बच्चे और बड़े परेशान भी हो जाते थे आजकल नीट और जेई इतना कॉम्पिटिशन हो गया लाखों बच्चे उसमें ट्राई करते हैं कुछ ही सीट्स होती हैं लेकिन बच्चों में कुछ एक तनाव और एक मुझसे नहीं होगा एक भाग जाना छोड़ तो के हाँ मैं थोड़ा सा आपको बड़ा कॉन्फिडेंस से कहूंगा जी आपकी बात को मनाकार नहीं रहा हूँ निश्चित बात है बीस लाख बच्चा नीट में बैठना है सीट लास्ट एक लाख है तेरह से चौदह लाख बच्चा जेई में बैठना है तो आई आई टी में सीट लगभग पचास मान लें बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात अलग है तो सबका सिलेक्शन नहीं होना है मैं एक वीडियो आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों को कहना चाहूंगा पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब आपका बच्चा कमजोर नहीं है Correct. कोई कुछ बच्चे आपके बच्चे ज्यादा मेहनत कर गए आप हुँ. हारे नहीं हो प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई हारता नहीं है कुछ लोग हमसे ज्यादा काम कर गए हम थोड़ा कम काम कर पाए कोई बात नहीं हमें जिंदगी फिर मौका देगी अगले कॉम्पिटिशन में हम और काम कर लेंगे क्योंकि सबका सिलेक्शन दुनिया में कभी नहीं हो सकता क्योंकि वहां सीट्स लिमिटेड है दूसरा मैं एक बात कहता हूं कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा

एक अपील करना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स से और बच्चों इंसानों हर आदमी से कि हम इंसान हैं हम इंसान ही बने रहे भगवान नहीं बने क्या कल ऐसा होने वाला है ना हमारे सोचने से अच्छा होने वाला है ना हमारे सोचने से बुरा हो लेकिन हमारे अच्छे कर्म से अच्छा हो जाएगा हमारी छोटी सोच से छोटा हो दे ऐसा एक डायलॉग है कि आपकी सोच है ना वो लाइफ में सब कुछ है जैसे आपने बहुत अच्छे जूते मंगा लिए बहुत अच्छी सड़क है बट दो कंकर आप जूते के अंदर डाल दो

कई बार इस उम्र में समझ में नहीं आती है लेकिन 40, 45 आते आते बातें समझ में आ जाती हैं तो पेरेंट्स 40 प्लस भी होते हैं तो उनको अपने बच्चों को कन्वे करना चाहिए कि आप अपना बेस्ट करो करेक्ट जैसा हरिवंश राय बच्चन साहब ने अमिताभ बच्चन साहब को डायलॉग दिया था कि मन का हो जाए तो अच्छा और मन का ना हो तो और ही अच्छा और एक डायलॉग अमिताभ बच्चन साहब ने कहा बच्चन साहब से बड़े कि जीवन में बहुत संघर्ष तो बड़े बच्चन साहब ने कहा नहीं अमिताभ लाइन थोड़ी सही करो जीवन तब तक है जब तक संघर्ष है और मैं कहता हूँ दो लाइने ऐसी हैं आपको ध्यान होगा 1990 में बच्चन साहब थोड़े से आर्थिक रूप से परेशान हो गए थे उसके बाद वो जो महानायक वापस बने उसमें केवल और केवल मैं कह सकता हूँ हरिवंश राय बच्चन साहब के दो लाइनें थे जो अमिताभ बच्चन साहब को महानायक बना गए इसलिए एक अपील करना चाहता हूँ सबसे जब भी समय मिले अपने पेरेंट्स के पास बैठो पेरेंट्स का मतलब मम्मी पापा नहीं बोल रहा हूँ मैं मैं बहुत दादा दी दादा दादी नाना नानी के पास बैठोगे तो उनके पास सत्तर साल का अनुभव होता है जो आपको पाँच मिनट बता देंगे और Correct. जो बच्चे ऐसा करते हैं जिन परिवारों में आज भी सब लोग बैठ के सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार साथ भोजन करते हैं मैं आपको दावे से कह सकता हूँ उन घरों में इनकम ज़्यादा कम हो सकती है लेकिन वहाँ टेंशन नहीं होती और दोस्तों एक सिंपल सी बात है कि सुख का इनकम से कोई संबंध नहीं है करेक्ट हैप्पीनेस तो है वो कहीं भी मिल जाएगी अच्छा यहाँ पर जब घर परिवार की बात हुई तो मैं आपको बचपन की तरफ लौटा ले चलूँ वापस तो क्या माहौल था कैसा उस वक्त परिवेश था अपने पिताजी के बारे में कुछ बताइए माता यहाँ कुछ पर्सनल बातें शेयर भी करूँगा जो शायद पहली बार मंच पर कर रहा हूँ मेरा जन्म सीकर डिस्ट्रिक्ट में फ़तेहपुर सेखावाटी में रोसावा गाँव वहाँ हुआ जो सीकर डिस्ट्रिक्ट आखिरी गाँव है मेरे गाँव में पीने का पानी भी नहीं था पड़ोस के गाँव से पानी आता था तो आप समझ सकते हो मेरे फादर अध्यापक रहे हैं मेरे फादर अभी हैं ओल्ड है मेरे माता पिता दोनों स्वस्थ हैं मेरी सबसे बड़ी दीदी हैं उन्होंने एट्टी टू में बी किया और मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि उस समय मेरे गाँव में हम बहुत विरोध झेलते थे कि लड़कियों पढ़ा रहे हैं तो मेरे फादर हमारे लिए साहब जिंदा देवता है उनके कारण मैं हूं मत स्पष्ट कहता हूँ कि उनका बेटा नहीं होता तो सब किस लायक नहीं होता वो शिल्पकार हैं जिन जिनकी बनाई हुई मूर्ति आपके सामने बैठी है जन्म देना एक अलग बात है जन्म देके उसको तराश नाशन का रोल तो मेरे बड़ी दीदी है वो आज जिला अधिकारी हैं सीकर में छोटे दीदी हैं सेकेंड नंबर के वो प्रिंसिपल हैं थर्ड नंबर में मैं हूँ फोर्थ नंबर मेरी सिस्टर है वो टीचर है तो हम चारों बहन भाई टीचिंग लाइन में हैं और एक सामान्य से गांव के अध्यापक के चारों बच्चे सीकर जैसे जिला हेडक्वाटर पे अपना घर बना के रह रहे हैं वो शिक्षा की देन है और एक बात मैं जरूर करना चाहूँगा यहाँ पे मेरा विरोध हमेशा रहा बचपन से मेरे साउंडिंग एरिया में क्योंकि मैं बातें थोड़ी सी अलग करता था जी तो मैं जब गाँव में छोटा था एक किस्सा बताता हूँ आपको बताइए मैं छोटा था गांव में तो एट्थ नाइन्थ की बात है तो मैं उस समय हमारे गांव में तो भी गांव में घर हमारे गांव के हिसाब से समर्थ थे मैं ये नहीं कहूंगा हम गांव के हिसाब से गांव के हिसाब से हम काफ़ी समर्थ थे लेकिन गांव की समृद्धि की सीमाएं थी उस समय हमारे गांव में एक डॉक्टर साहब आए थे जी तो मेरा एक कमरा था अलग उसको देख के मेरे पिताजी से कहा उन्होंने कि थालो छोरो क्यों अलग कर से पिताजी ने कहा क्या अलग करेगा ज़्यादा ज़्यादा ये भी बी करके टीचर बन जाएगा हमारे जैसा वो क्यों बताया कि उस समय भी मैंने मेरे गांव के कमरे में एक बोरी का पायदान बना रखा था अच्छा और एक बेट बिछा रखी थी तो उस समय गांव में चीज़ें बहुत अलग होती थी तो बात कर रहा हूँ मैं एट्टी एट्टी वन की तो मेरी सोच हमेशा अलग रही संगीत मेरा शौक रहता था मेरे गांव के पास ही मेरा खेत था मैं शाम को मेरे खेत में जाकर वो रेडियो साथ रखते थे रेडियो पे गाने सुनना और रात को साढ़े बारह तक छुट्टियों में गाने सुन के सुबह अपने वापस काम लगना जी और बचपन में मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य रहा कि मेरे पिता का मेरे परिवार का मुझे भावनात्मक बहुत सपोर्ट मिला मेरे विचारों विरोध करते रहते थे लोगों क्यों हमेशा कुछ उल्टी सुल्टी बात नहीं करता था जो उस समय उल्टी सुलटी लगती थी लेकिन अलग बात नहीं होती थी तो बचपन बड़ा गाँव भी था फिर मैंने प्राइमरी तक मेरे गाँव में पढ़ाई की मैंने फिर छः सात आठ मैंने मेरे गाँव के पड़ोस मेरे फादर एडवास्टर वहाँ ट्रांसफर वहाँ पढ़ाई की फिर नाइन टेंथ तक में पढ़ाई की मैंने उसके बाद मैंने चमड़िया स्कूल से एलेवंथ किया फिर इंजीनियरिंग कोटा से इंजीनियरिंग डिग्री की मैंने और 21 जनवरी मेरी कोचिंग बाय चांस नहीं है मेरे एक ही डेट लाइफ याद है मेरे को 21 जनवरी 96 को मैं कोले से पास आउट हुआ था जी। और 31 जनवरी 96 को मैंने मेरा कोचिंग लॉन्च कर दिया था कारण 31 जनवरी का वेट भी क्यों किया मैंने कि मेरा बड़ा बेटा जो साइल है उसका बर्थडे है उसको अच्छा। दो साल का था तो उसने सपना पाला था सपने मैं, मैं सपनों का सौदागर मानता हूं अपने को जी तो इकतीस को इसलिए लॉन्च किया कि मैंने कहा कोचिंग खोलेंगे तो बड़ा कोचिंग बनेगा तो बेटे का बर्थडे और कोचिंग का बर्थडे एक साथ आएंगे तो इकतीस जनवरी को बेटे का बर्थडे भी होता है और कोचिंग का बर्थडे भी होता है जी सपने देखना आदत रही अब 96 में डॉक्टर बनना इंजीनियर बनना तो लोग कहते हैं क्या पागल बातें कर रहा है क्योंकि मैं जिस विधान क्षेत्र से आता हूं तहसील से उस पूरी तहसील में मुश्किल चार या पांच डॉक्टर थे और ये पागल कर हर गांव में डॉक्टर बनाएंगे और आज वो सपना पूरा नहीं वो सपना बहुत पीछे रह गया अब हमारा सपना बहुत अलग है तो बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें झेलते हैं वो माता पिता से ये भी सुनते हैं कि पढ़ाई करो एनी टाइम पढ़ाई करो और वो सोचते हैं नहीं नहीं मुझे तो कुछ और करना है अभी मन कुछ और करने का हो रहा है होता है पर, पर वो पास भी कर लेते हैं और वो आगे पहुँच जाते हैं लेकिन वहाँ जाकर वो घबरा जाते हैं बोले अब मैं लास्ट वाला एग्ज़ाम तो नहीं दे सकता मेरे बस की नहीं है तो इससे बच्चों को कैसे सुधारें क्या उनमें पेरेंट्स की भूमिका है क्या टीचर्स की है क्या इंस्टीट्यूट्स की है नहीं इसमें भूमिका केवल टीचर्स और पेरेंट्स की नहीं है आपके सराउंडिंग की सबकी भूमिका है मैं तो कहता हूँ आप जब बच्चे हॉस्टलर हैं तो हॉस्टल वार्डन की भूमिका भी है आप किसी बच्चे बड़े बच्चे थड़ी बीमार चाय पीने चले गए तो वहाँ चाय पीने वाले की भूमिका है जो चाय पिनाने वाला है वो भी कह सकता है और भाई क्या चल रहा है फिर आप बड़े चल रहा और अच्छे मेहनत करो यार तुम सेलेक्ट हो जाओगे हमारी भाषा में बात करें यानी आदमी की सफलता में पूरे सराउंडिंग का फर्क पड़ता है माता पिता से मैं एक बात कहना चाहूँगा जी आप अपने बच्चों को अपने सपने थोपो मत आपके अधूरे सपने आज प्रॉब्लम जो हो रही है माता पिता के अपने अपने अधूरे सपने वो बच्चों से पूरा करना चाहते हैं तो प्लीज आप उनको सपने नहीं आप कंपेयर नहीं करें तो मेरा सामान है ये अंगूठे निशान है दुनिया में दो व्यक्तियों के अंगूठे का निशान एक जैसा नहीं होता है तभी तो आजकल अंगूठे निशान लगाते हैं हम सब जगह तो आप सोचो जब इतना छोटा से अंगूठे का निशान दो का एक जैसा नहीं हो सकता तो दो छह फिट के ढांचे एक कैसे हो सकते हैं इसलिए आप अपने बच्चों कंपेयर नहीं हाँ आप अपने बच्चे ये कह सकते हैं कि यार देख मेरा सपना था डॉक्टर बनना मैं नहीं बन पाया तू इसको कर सकता है पूरा तो मुझे खुशी होगी और तू उसको पूरा नहीं भी करता है तो अपने बाप बेटे के प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं क्लियर कर देता हूं माँ बाप के प्यार का सफलता से कोई संबंध नहीं होता है आप यदि जॉब लगते हैं तो भी उतना प्यार करेंगे आप कलेक्टर बन जाते हैं तो उतना है प्यार करेंगे माँ बाप का यह प्यार ऐसा प्यार है जो सफलता या असफलता से डिसाइड नहीं होता हाँ एक बात कह सकता हूँ आप ऐसा कोई काम नहीं करें जिसके कारण मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ ऐसा कोई काम नहीं करें कि आपकी उस एक्टिविटी से माता पिता का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए जिसको पढ़ के सोसाइटी में उनकी थोड़ी सी साख खराब हो जाए वो आप नहीं करें और आपने भी बात की कि एग्ज़ाम लास्ट एग्जाम तक आते आते बच्चा डरता एग्ज़ाम से वहाँ सारी की सारी जिम्मेदारी है ना बंधु वो उस शिक्षण संस्था की है जहाँ बच्चा पढ़ रहा है वो टीचर्स की है मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी टीचर साथी हैं संस्थाओं के इंचार्ज हेड हैं जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनका धर्म बनता है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती जाती है उनकी ज्यादा केयर करें जी इस पर मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ जैसे हमारे घर में नया मेहमान आने वाला होता है तो गर्भकाल नौ महीने का होता है तो हम सब जानते हैं कि जब नवा महीना हमारी बहन बेटी को होता है जब मेहमान आना होता है तो सब घर के लोग अवेयर हो जाते हैं भाई अब इसको खाने का ध्यान रखना है पीने का ध्यान रखना है उसे कोई का वो सेम की सेम कहानी कॉम्पिटिशन के साथ है जुलाई में सेशन स्टार्ट होता है चलता चलता जब मई में सेशन एंड होता है तो हमें कहते हैं कि वो भी हमारे गर्भकाल है क्यों हमारे अंदर से एक हम स्टूडेंट हैं हम सेलेक्ट है, हो गए तो हमारे अंदर से क्या बन गए डॉक्टर बना है जी हम सफल हो गए तो हम क्या बन गए आई बन गए तो इंसान के अंदर से एक इंसान भी आप आज श्रवण है सेलेक्ट हो जाते हैं मेडिकल में तो डॉक्टर श्रवण हो गए तो आपका एक नया जीवन आ गया ना तो वो भी एक नया जीवन है तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि एग्जाम के पहले तीस चालीस दिन जो होते हैं ना वो परिवार को वो टीचर्स को उस समय केयर करनी चाहिए बट तो केयर कैसी कि पीठ पीछे खड़े होकर ऐसे धपके देने वाली हम तेरे साथ हैं तू तो तेरा बढ़िया कर रिजल्ट कुछ भी आए हम तेरे साथ रहेंगे और यही यही चीज़ जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बच्चों को एक साथ बुलाकर सबको समझाते हैं और पेरेंट्स को भी बताते हैं और जो ये परीक्षा पर्व मनाया जाता है वो बड़ा ही एक यूँ कहें रोमांच भर देने वाला होता है देखो सर मैं यहाँ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने उस पर्सनालिटी का नाम इस अपने इंटरव्यू में कोट किया है परीक्षा पे चर्चा मतलब प्रधानमंत्री बच्चे के बारे में सोच रहे हैं परीक्षा के बारे में सोच रहे हैं और ये पहली बार देश में हुआ है उस लाइव को आपने देखा होगा मैंने खुद देखा मन हम बच्चों को देखा है पूरा तो यहाँ वो बात में साबित होगी कि घर का मुखिया जो है ना उसको बच्चों केयर करनी चाहिए वो देश के मुख्य नाते कर रहे हैं तो आप पेरेंट्स से निवेदन करूँ चाहे कितने बिजी हों आपका बिजनेस व्यवसाय कुछ भी हो आपको एग्जाम के दो महीने पहले डेढ़ महीने पहले बच्चों को समय देना होगा क्योंकि देखो कड़वी सच्चाई ये है कि आपका बिजनेस हो कुछ भी हो अंतिम आपके बच्चे से बड़ी आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जी असेट आपका बच्चा ही आपका है लास्ट में आपके बच्चे ही आपकी प्रोग्रे, प्रोग्रेस को आफ्टर ट सिक्सटी या सिक्सटी फाइव आप जब ढाल में आएंगे वो जब जवानी में आएंगे तो वही काम आ इसलिए बच्चों की केयर करें लेकिन जी प्रेशर से नहीं और मैं ऐसा एक मानता हूँ कि प्यार से कुछ भी आप बच्चे से करा सकते हो एक सिंपल एग्जाम्पल है हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और आप मुझे कहो नहीं नहीं तुम मेरे कहने से मान कि सूरज निकलता पूर्व में मुझे लगा ये तो ईगो टकरा दोस्त का मना कर दूंगा आपको आप मेरे नॉर्मल जानकार हो और आप मुझे कह दें यार भाई ये पंगा हो गया क्या यार मैं एक गांव में कह के आ गया हूं कि सूरज कल से उत्तर निकलेगा तो मेरे कहने से बोल दे तो मैं कह दूंगा मेरा दोस्त कह रहा है उत्तर निकलेगा तो ये सच्चाई भी थोपी जा सकती जी और कई बार किस चीज को साबित करना है तो दोस्त अपील करनी होती है दोस्त का मतलब पिता भी दोस्त होता है अब माँ बाप ही आजकल तो जमाना चेंज हो गया जी सब फ्रेंडली रहते हैं वैसे भी आजकल थ्री बी एस टू बी एस के जमाने आगे जहाँ माँ बाप के अलावा दोस्त वैसे ही खत्म हो गए बच्चों के तो अच्छे दोस्त बन के रहें तो यहाँ ये एक बात निकल कर आती है कि बच्चों से इमोशनल कनेक्ट रखें और जो बच्चे दूर भी पढ़ रहे होते हैं उन्हें फ़ोन करके माता पिता अक्सर बात करते रहें क्योंकि उससे उसका थोड़ा सा जो मन भी हल्का होता है वो अपने मन की बात कहता हूँ फ़ोन पर माफ़ी चाहता हूँ मेरी पर्सनल राय है जब तक हमारा बच्चा कॉलेज नहीं जाए उसको स्मार्टफोन नहीं दें प्लीज ये मुझे हाथ जोड़ के विनती है जी की पैड फोन दे दें देखो आप वो दूर गुजर के आए गुजार के आए हो यदि हमारे पास स्मार्टफोन है उसमें सब कुछ अच्छा ही है बट उसमें क्या क्या बुराइयां हैं आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या देखना क्या नहीं देखना बट 15-16 साल का बच्चा इतना मेच्योर नहीं होता है कि किस वीडियो को देखना है किस नहीं देखना है मैं कुछ परत करना चाह रहा हूं इसलिए मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप कॉलेज से पहले बच्चे को स्मार्टफोन नहीं दें बात करें बच्चे से बट कीपैड से जैसे हम देखते हैं कि हमारा हज़ारों हजार बच्चा की पैड घूमता है मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चा की से बात दिखता ना तो मुझे उस बच्चे में तो प्यार आता है और उसके माता पिता के प्रति मुझे बहुत इज्जत आती है कि ये अच्छे माता पिता है जी की पैड का ही फोन हो हाँ लेकिन ये जो बात करने वाला जो क्योंकि बात से बात बहुत जरूरी है बात जरूर करें अच्छा सर यहाँ जब अब एक और आ, आगे की बात बढ़ाते हैं आप शिक्षण के क्षेत्र में रहे फिर अब राजनीति में भी आपका पदार्पण हुआ तो वो कैसे हुआ और अब आपके आगे क्या क्या चीज़ आगे सोच रहे हैं देखो सबसे पहले तो मैं कह दूँ मैं शिक्षक हूँ शिक्षक रहूँगा राजनीति ये मैं ये इस सभी दर्शन करना चाहता हूँ कि अपने काम को मन से करो तो फल अपना मिलता मैंने अट्ठाईस साल शिक्षा में अच्छा काम किया मुझे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने बुला के कहा कि आपका विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर है आपको हम चुनाव लड़ाएंगे मैं चुनाव लड़ के आया चुनाव मंडूज कर दिया लेकिन पार्टी ने मुझे एक मौका दिया वो मेरी अट्ठाईस साल की तपस्या के बल और निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत कार्यकर्ता साबित करने का प्रयास हर पल करता हूँ शिक्षक के साथ साथ क्योंकि इसका कारण भी है कि उस पार्टी के जो नेता हैं प्रधानमंत्री जी मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ बहुत और उनकी इमेज हमेशा अच्छी दिमाग में रही मेरे पर एक घटना ऐसी घटी उसके बाद और इमेज बनी जब यूक्रेन लड़ाई चली हमारे बहुत सारे बच्चे वहाँ से एम कर रहे थे मेरी कोचिंग के सैकड़ों बच्चे थे वो फंस गए तो केवल हमारे प्रधानमंत्री जी के ताकत के कारण युद्ध रुका एक दिन पता आपको और सारे भारतीय बच्चों को एक भी कैजुअलिटी एक कैजुअलिटी हुई थी तो वो एक्सीडेंटल कैजुअलिटी थी कि युद्ध की कैजुअलिटी थी सारे के सारे बच्चे सुरक्षित आए उस दिन बाद मुझे लगा कि इस आदमी की हमें और इज्जत करनी चाहिए और उनकी ब्रांडिंग करनी चाहिए ताकि देश को लगे कि हम सुरक्षित हाथों में हैं जी और यहाँ हम शिक्षा की बात करते हैं तो वो हमेशा शिक्षा को आगे रखते हैं और इसी के चलते आज पूरे विश्व में भारत के युवा जो हैं सभी जगह पर हैं और अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छा भारत का नाम रोशन कर रहे हैं यहाँ ये बात हम जानना चाहेंगे जो बच्चे सोचते हैं कि भाई अब मुझे ये करना है ये जो काउंसलिंग वाला जो पार्ट आ जाता है कुछ बच्चे ना चाहते हुए भी जे की तरफ चले जाते हैं लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्या उन बच्चों को कैसे शुरू से बताया जाए क्योंकि नाइन्थ का बच्चा अपने आप में सोच तो लेता है इंटरनेट वगैरह पे देख के लेकिन कैसे करना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स बहुत परेशान रहें तो इस पर मैं एक बात करना चाहूँगा पहली बात तो यह कि आपने एम किया या आई या एन डिग्री की तो इसका अर्थ कतः नहीं है कि आई करने के बाद आप जो इंजीनियरिंग कहीं करें मैं इंजीनियर हूँ जी शिक्षा काम कर रहा हूँ आज आप देखते हैं बहुत से आपको आईएएस आईपीएस मिलते हैं जो डॉक्टर हैं आई हैं उसके बाद वो लोग यू पी करते हैं पढ़ाई जरूरी है देखो आपको एक डिग्री करनी है आप बीएससी कर लो बीए कर लो बीकॉम कर लो वैसे एक एम डिग्री तो है एम बी कर लो बी कर लो ये डिग्रियाँ हैं पढ़ाई तो करनी होगी ना देखो तो पढ़ाई का ही रोल है आज मैं आपके साथ टी वी दिख रहा हूँ जबकि आज के तीन पीढ़ी पहले मेरी दादी तो एक बात कहती थी कि न देखो जयप्री हो तो कुड़मा केकरी हो मतलब मेरी दादी के लिए जयपुर देखना सपना था और उनका पोता आज शिक्षा के कारण ही एक चैनल पे डीडी चैनल पे आ रहे हैं एक दूरदर्शन के चैनल पे आ रहे हैं किस कारण आया मैं शिक्षा के कारण आया तो एजुकेशन बड़ी कोई चीज़ ही नहीं हो सकती और शिक्षा तो आपको ग्रहण करनी होगी इसलिए ये डिग्रियां हैं इनके कंपटीशन होगी अब आज को तो आप बीएससी भी करना चाहोगे तो भी आपको सी एग्जाम देनी पड़ेगी जी। आप एल भी करोगे तो अब क्लेट देना होगा तो एग्जाम तो कोई क्रेक करनी है अब उसमें आप अपने इच्छा से क्यों कर लो और मैं कई बार करना चाहता हूं हो सकता आप इलेवन ट्वेल्थ में अपने डिसीजन नहीं ले सकते तो पेरेंट्स कभी भी आपका बुरा नहीं सोच सकते देखो मेरा ऐसा मानना है कि पंद्रह साल से बीस साल की उम्र में आदमी को सबसे अच्छे पेरेंट्स लगते हैं पर सबसे खराब भी पेरेंट्स लगते हैं क्योंकि वो टोकते हैं वो उस उम्र में जो टोकने को ये मानता है कि मेरे अपने हैं वो तो सफल हो जाते हैं जो टोकने को खराब मानते हैं वो असफल हो जाते हैं भाई एक बात बताओ आपके पास एक गाड़ी है मर्सडीज आप बड़े खुश हैं उसके ब्रेक नहीं क्या करोगे आप यदि आपको अपने जीवन में कोई टोकना नहीं है ना तो आप बिना ब्रेक की मर्सडीज है मर्सडीज तो आपके पास है पर बिना ब्रेक किया तो खुद मरोगे किसी और को मारोगे इसलिए माता पिता की टोका टाकी हमारी इंसल्ट नहीं है वो हमारी गाड़ी के ब्रेक है और बिना ब्रेक की गाड़ी दोस्तों जीवन में क्यों एक्सीडेंट करती है इसलिए बच्चों यदि आपके अपने आप को टोकते हैं तो आपका सौभाग्य मैं तो कहता हूँ आपको गलती की आपके दिल को पता मैंने गलती की और आपकी गलती पर आपको किसी ने टोका तो इसका मतलब अनाथ है आपका इस धरती पर कोई है ही नहीं जो आपको टोक रहा है इसलिए मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ आपको टोक रहा है इस पर किस्सा बताता हूँ मैं जी बच्चन साहब का इंटरव्यू देखा मैंने तो आप जैसे एक उद्घोषण पूछा कि बच्चन साहब आपको तो महानायक हो आपको क्या कमी है तो बच्चन साहब ने कहा कि जब से बाबू नहीं है ना उसके बाद एक कमी है बोले क्या कोई टोकता नहीं है और कोई अमिताभ नहीं कहता है ये दर्द था अमिताभ बच्चन का कोई शाम कोई पूछना नहीं है इतना लेट कैसे हो गया और कोई ये नहीं कहता कि अमिताभ इसलिए जब तक हमें कोई नाम से पुकार रहा है इसका मतलब ये हमारे ऊपर हमसे बड़े हैं हमें कोई टोक रहा है इसका हमें कोई देख रहा है इसलिए बच्चों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स की बात की केयर करें तो पेरेंट्स के सपनों का आप यूँ नहीं माने कि थोप रहे हैं हो सकता है कि आपके समझ में नहीं आ रहा होगा उनके ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा हो और पेरेंट्स से भी निवेदन करना चाहूंगा थोड़ी सी बच्चों के साथ बैठ के बात कर ले तो बच्चों के लिए शायद पेरेंट्स आनंद फिल्म का गीत गाते होंगे मैं नहीं मैं नहीं तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने सपने सपने ये तो बहुत अच्छा गीत और आनंद मूवी तो खैर आप जानतेमेट जी वो आनंद मूवी की बात कर लेते हैं जी आनंद मूवी जो कलाकार राज खन्ना वो उनको पता मुझे कैंसर है उनको पता मरना उच्छा माने बाद में वो कितना खुश होकर जीता वो कहता है क्या फर्क पड़ता है आपको बीस साल बाद मरना आपको तीस साल बाद मरना वो छः महीने बाद मरना है मरना फिक्स है तो मैं छः महीने खराब क्यों करूँ तो आनंद मूवी में राइस खन्ना का रोल है ना वो अपने आप में ज़िंदगी जीने की बड़ी परिभाषा और वो मूवी बड़ी मैसेज भी देती है अच्छा, अपना अच्छा सर यहाँ समय की बात जहाँ आती है कि कहते हैं समय वेस्ट नहीं करना चाहिए और इस चीज़ को लेकर आजकल युवा तो ऐसे होते हैं कि मैंने एक बच्ची को पढ़ते देखा और मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा वो 10 से 12 घंटे कंटिन्यूअस मतलब नहाने भी ना जाए बोले टाइम वेस्ट होगा नहीं 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 और फिर उसके बाद में जब वो लास्ट सिलेक्शन हुआ तो वो बड़ी खुश हुई देखो मैंने ऐसा किया तो ऐसा किया तो क्या एक सिस्टम होना चाहिए क्या सिस्टम समझाया जाए बच्चों को देखो मैं मैं थोड़ा सा इसमें कहना चाहता हूं ज्यादा पढ़ने ज्यादा नंबर नहीं आते एक क्लोक होती है बायोलॉजिकल आपकी आपकी दिनचर्या व्यस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए सेट होनी चाहिए कि आपको आठ घंटे पढ़ना रोज आठ घंटे पढ़े आप क्लोक क्लोक होते बायोलॉजिकल टाइम पे उठें टाइम पे सोएं टाइम पे खाना खाएं फिर आप चाहे दस घंटे पढ़ रहे हैं चाहे आठ घंटे पढ़ रहे हैं आपका आउटपुट ज़्यादा आएगा कभी आप छः बजे उठे कभी आप नौ बजे उठे कभी खाना ग्यारह बजे खाया कभी नौ बजे खाया कभी रात को बारह बजे सोए तो बायोलॉजी क्लोक आपकी डिस्टर्ब हो जाती है एक मैं अपील करना चाहूंगा आपने बात पूछ ली आपको रात को मान लो बारह बजे सोना है ना जी तो आप पढ़ाई पोने वाला बंद कर दें पंद्रह मिनट आप बिल्कुल अपने हाथ मुंह साफ़ करके धोके और बिस्तर पे आलती पालती बैठ के पंद्रह मिनट में उस व्यवसायी की तरह जिसको हमारी भाषा हमारे सेकंड बढ़िया बोलते हैं बढ़िया मत बिजनेस उस बिजनेस की तरह कि आज मेरा दिन में क्या बिजनेस रहा उसकी गुणा भाग करनी चाहिए तो हर बच्चे को रात को सोने से पंद्रह मिनट पहले आज मैंने क्या किया और मैं क्या कर सकता था वो नहीं कर सके तो कल उसको करना चाहिए ये आप कर लोगे तो आप अपनी ज़िंदगी अच्छी अच्छे हो जाओगे आपका जी। जीवन एक सफल व्यवसाय व्यवसाय मतलब तो सफल जीवन हो जाएगा आपका जी अब मैं आज जो ये सवाल पूछ रहा हूँ वो आपके सपनों पर आधारित है अब श्रवण जी का क्या सपना है क्या सोच रहे हैं आगे क्या करना है देखो मेरा मूल सपना जिंदगी में एक ही था वो एक ही रहेगा कि मैं किसी काम आ सकूँ निश्चित रूप से आज जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ इतना वर्क करके इतनी एनर्जी लगा के के पैसे की बात करें तो इससे ज्यादा मैं किसी और व्यवसाय में कमा सकता हूं लेकिन मुझे भगवान ने एक मौका दिया कि मैं किसी का जीवन बना सकू और शिक्षक से बड़ा कुछ नहीं होता है ये आपकी जो लाइट है मरकरी ये रोशनी बहुत दे रही है दीपक शायद रोशनी कम देता है बट ये मरकरी लाइट किसी दूसरी लाइट को टच करके उसको ऑन नहीं कर सकता और एक छोटा दीपक हजारों दीपक ऑन कर सकता है इसलिए मैं दीपक बनाना चाहता हूं कि हजारों हजारों दीपक मैं ऑन करता रहूं आज मैं देश में कहीं भी जाता हूँ तो मेरे स्टूडेंट मिल जाते हैं मेरे को अभी आपके ऑफिस में जब आया तो आप देखा होगा मेरे पढ़ाए स्टूडेंट के रिश्तेदार यहाँ मिल गए मुझे जी तो वो एक चैन है और वही मेरी खुशी है वही मेरा आधार है वही मेरी ऊर्जा है और मैं उसी के कारण उनतीस साल से इस काम को लगातार कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम के माध्यम से बताने मुझे कोई शर्म नहीं है निश्चित बात मैंने मेरे इस कार्यक्रम से मेरे इस व्यवसाय से मेरे बिजनेस से दो रुपये कमाए लेकिन मेरी जिंदगी में काम करके हमने मैं एक यूथ को कहना चाहूंगा काम करो पैसे ले काम मत करो जी आप काम करो पैसा अपने आप आपके पास है जी तो आप लोग परेशान नहीं होंगे आपका टारगेट हो गया पैसा तो आप थक जाओगे और टूट भी जाओगे जी काम करोगे सब अपने आप पिछाता रहेगा तो, रहे तो रहे कर्मण्य वादी का रस्ते माँ कदाचन और आप श्रवण जी यूं ही जो ज्ञान की गंगा है यूं बहाते रहिए और सबके काम आते रहिए आप बहुत ही ऐसी शख्सियत हैं जिनसे हम मोटिवेट होते हैं बहुत अच्छा लगा आज धरती राले के मंच पर आप लास्ट आए। में मैं मेरे चार लाइनों से इस बात को पूरी करूंगा जो सबके लिए है एक टीचर के नाते एक गार्जन नाते कि मेरी दुआओं में इतना असर हो मेरी दुआओं में इतना असर हो हर दर्द गम से तू बेखबर हो उम्मीदें टूटे ना मेरे आसियाने की खुशियाँ मिलें तुझको सारे जमाने की आतन लाड रे आतन लाड रे तेरे संग प्यार निभावा बाकी सब सपने होते हैं अपने तो अपने, अपने होते हैं है। जिंदगी में अपने लिए नहीं अपनों के लिए जियो परिवार के साथ रहो अपने आप देश के साथ हो जाओगे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपने मुझे बुलाया मौका दिया मैं आपका आभारी हूँ नमस्कार राम राम बहुत बहुत नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद और आइए अब चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर देखते रहिए डी राजस्थान